प्यारे दोस्तों नमस्ते, मैं प्रबोध आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन के बारे में। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों पर्सनल लोन वह लोन होता है जो कि आप अपने कोई भी काम करने के लिए लेते हैं। तो पर्सनल लोन और बाकी लोन में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? तो दोस्तों बाकी अगर कोई आप कोई लोन लेते हैं, जैसे कि हाउस लोन लेते हैं या फिर कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं, बाइक खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो उस पैसे को आप उसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब पर्सनल लोन ये ऐसा लोन होता है जो कि बैंक आपको कुछ पैसा देती है और उसके वजह से बैंक आपको ये पूछेगी नहीं कि आप ये पैसे को लेके क्या करने वाले हो। आप अपनी पर्सनल किसी भी चीज़ के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। आप कहीं पे जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर आपकी खुद की शादी हो गई, या फिर आपका कोई काम हो गया, कुछ भी के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दिए जा रहे पर्सनल लोन के बारे में डिटेल में डिस्कस करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन के बारे में, आज हम कवर करने जा रहे हैं पर्सनल लोन के बेनिफिट्स के बारे में, फिर एलिजिबिलिटी, फिर इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस, फिर हम देखेंगे इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा और आखिर में हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा पर्सनल लोन के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों, ये आपको इमरजेंसी फंड की तरह काम करता है। दोस्तों आप जैसे भी जब भी कोई आपकी इमरजेंसी होता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं लोन लेके। फिर हो गया एडवांटेज ओवर क्रेडिट कार्ड, ये आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका सिबिल स्कोर को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। फिर हो गया दोस्तों आपका नो स्ट्रिक्ट क्रेडिट लिमिट, इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट क्रेडिट लिमिट नहीं होता है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1 ही लाख का ही लेना है, आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा करके लोन ले सकते हैं। फिर आता है दोस्तों पे वाया चेक, बैंक ट्रांसफ़र और चेक। तो दोस्तों आप अगर आपको पेमेंट चाहिए, लोन का पेमेंट अभी कुछ चेक की तरह ले सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। आप इसको जब भी रीपेमेंट करना चाहें तो वाया चेक कर सकते हैं, बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं, ऑटो पे करके कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों एक्सटेंडेड टाइमलाइंस फॉर रीपेमेंट। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और आप इसको 2 साल में आप इसको चुकाना चाहते हैं, पर कुछ वजह से आप इसको 2 साल में चुका नहीं पाए, तो आप बैंक को जाके बोलेंगे कि भाई मुझे कुछ और टाइम चाहिए लोन चुकाने के लिए, तो बैंक आपको टाइम दे देगी दोस्तों। तो अब आता है दोस्तों नेक्स्ट टर्म जो है फ्लेक्सिबल यूजेस ऑफ फंड्स। आपको जो भी पर्सनल लोन में जितना भी फंड मिलता है, जो भी अमाउंट मिलता है, वो आप अपने मन के हिसाब से कहीं भी खर्चा कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा कोई बैंक की तरफ से रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है इसमें। उसके बाद आते हैं दोस्तों हायर बोरोइंग अमाउंट। आप का जो बोरो करते हैं दूसरे बैंक के हिसाब से, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको ज़्यादा पर्सनल लोन देते हैं। यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि आप मैक्सिमम कितना लोन तक ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलिए बात करते हैं इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों इसका सबसे पहला एलिजिबिलिटी हो गया दोस्तों, आप चाहे एम्प्लॉई हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, विथ मिनिमम कंटिन्यूस सर्विस और बिजनेस फॉर 1 ईयर। तो दोस्तों अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपका कम से कम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तभी आपका उस दुकान का या फिर उस बिजनेस का कम से कम 1 साल होना चाहिए दोस्तों। फिर आता है दोस्तों इसका एज लिमिट। आपका एज लिमिट जो है वो कम से कम 21 साल होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है लोन को चुकता करने का, तो वो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज लिमिट 60 होगी, और अगर आप नॉन सैलरीड हैं, कोई बिजनेस पर्सन है या फिर आपकी कोई दुकान है, आपके कोई प्रोफेशनल हैं, तो उस केस में आपकी मैक्सिमम एज हो जाएगी दोस्तों 65 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों लोन अमाउंट। आपको कितना अमाउंट का लोन बैंक की तरफ से मिल सकती है? तो दोस्तों इसमें अगर आप रूरल और सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई गांव से, अगर आपके कोई गांव में घर है, गांव में आप रहते हैं, तो उस एरिया में, उस केस में आपको कम से कम 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है। और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो मिनिमम आपका लोन का अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 1 लाख रुपये। फिर मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 20 लाख रुपये। ये दोनों के लिए अमाउंट सेम है, चाहे रूरल हो या फिर अर्बन एरिया हो।
तो मिनिमम अमाउंट हो गया दोस्तों 50,000 रुपये रूरल एरिया के लिए, अर्बन रुपये और अर्बन एरिया के लिए हो गया 1,00,000 रुपये, और दोनों ही केस में मैक्सिमम अमाउंट हो गया 20,00,000 रुपये दोस्तों। फिर आता है दोस्तों इसका प्रोसेसिंग चार्जेस, कितने रुपए का प्रोसेसिंग चार्ज रहता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी बैंक में लोन अप्लाई करते हो, इस लोन को प्रोसेस करने के लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज लेती है। तो इस केस में ये आप देख सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हु मेंटेन सैलरी अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में सैलरी अकाउंट है, तो उस केस में आपको कोई भी एक रुपये भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ती है। अगर आप बिजनेस हैं, आपकी कोई दुकान है, तो इस केस में आपको 1-2% तक का प्रोसेसिंग फीस दे सकती है और उसके ऊपर GST भी ले सकते हैं दोस्तों। पर इसमें एक कंडीशन है कि आप जो वो प्रोसेसिंग फीस दोगे वो मिनिमम 1,000 रुपये होगा और मैक्सिमम 10,000 रुपये होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा टेबल फॉर्मेट में हमने इसको बना दिया है, आप इसको चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्टकट में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि ये वाला पूरा कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.7% शुरू होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 17.55 तक होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, ये 10.7 है, ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, 10.2 से 10.7 के बीच, ये हो गया मिनिमम इंटरेस्ट रेट, और मैक्सिमम होता है 13.95 से 17.55 के बीच होता है दोस्तों। और ये जो इंटरेस्ट रेट में, इसमें सिबिल स्कोर का बहुत रोल होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हर कॉलम में आपको सिबिल स्कोर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप जब भी लोन लेते हैं, बैंक आपका इंटरेस्ट रेट जैसे ही तय करती है, सबसे पहला चीज़ वो देखते हैं आपका सिबिल स्कोर। अब अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको आराम से कम इंटरेस्ट में बैंक लोन दे देती है। अगर 700 से नीचे है तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है। अब कोई भी लोन लेने से पहले हमारी आपसे यही सजेशन होगी कि आप पहले आप अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कीजिए। सिबिल स्कोर को कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अगर चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। फिर आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो लोन लेने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म दोगे वो वाला, वो कम्प्लीट फॉर्म होना चाहिए। फिर आपका 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, फिर फॉर्म 135 गिवन डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लियाबिलिटीज, आपका जो जो भी एसेट है और जो भी लियाबिलिटीज़ है उसका पूरा डिटेल में आपको देना पड़ेगा। अगर आपको एसेट एंड लियाबिलिटीज़ के बारे में क्या डिटेल में जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, इसके ऊपर हमें डिटेल वीडियो बना देंगे। फिर बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स एंड अपडेटेड पासबुक, आपका जो बैंक का पासबुक है उसका पिछले 6 महीने का डाटा आपको बैंक को देना पड़ेगा। फिर आता है दोस्तों प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इंक्लूडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, आपका आप जहाँ पे भी रहते हैं उसका प्रूफ, ये आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पोस्टपेड यूटिलिटी बिल जैसे कि गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल हो सकती है, अपडेटेड पासबुक, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। अगर आप कहीं पे भाड़े पे रहते हैं तो जिस घर में आप भाड़े पे रहते हैं उसमें आपका एक एग्रीमेंट साइन होता है 11 महीने का, तो वहाँ का आपको वो एग्रीमेंट का कॉपी आपको देनी पड़ेगी दोस्तों। तो इनमें से ये जितना भी चीज़ें, इसमें से आप कोई भी एक दे सकते हैं। फिर आता है दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी के में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी, DL, एम्प्लॉई आईडी, आप कहीं पे अगर जॉब करते हैं तो उनका एम्प्लॉई आईडी का कार्ड दे सकते हैं। फिर दोस्तों आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और सर्टिफाइड प्रैक्टिस विथ फोटोग्राफ इशूड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज, कोई भी एक प्रोफेशनल बॉडी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको एक आईडी कार्ड इशू करती है जहाँ पे आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, वो उसमें से आप कोई भी एक दे सकते हैं दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों फॉर सैलराइड इंडिविजुअल्स, अगर आप सैलराइड हैं तो आपको पिछले 3 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने का आपको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा दोस्तों। और इफ़ द एप्लीकेंट इज सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल का आपको जो बिजनेस का बैलेंस शीट है वो आपको देना पड़ेगा। आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पिछले 1 साल का वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ITR रिटर्न का। फिर
आपको अपना बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सर्विस टैक्स का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, कोई कुछ भी दे सकते हैं। फिर आईटी असेसमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, इनकम टैक्स चालान और TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16A फॉर्म 26AS फॉर इनकम डिक्लेयर्ड इन ITR। तो इनकम टैक्स रिटर्न के रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो। दोस्तों फिर अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसको आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, इसको जानने के लिए हम जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट में। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल साइट खोल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल लोन का सेक्शन है, यहाँ पे बड़ौदा पर्सनल लोन, हम इसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कि इसका पर्सनल लोन का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे ये वाला आपको पूरा ये डिटेल में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोसीड का एक ऑप्शन है, प्रोसीड में क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड में क्लिक करेंगे ये ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर देने के बाद आपको एक OTP आएगा, OTP आप सबमिट कर देंगे और ये आई एग्री, ये दोनों और आई एम रेसिडेंट इंडिया, इन दोनों में क्लिक करके आप सबमिट OTP कर देंगे। जैसे ही सबमिट OTP करेंगे दोस्तों इसके बाद आपको एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म का डिटेल फिलअप करने के लिए। ये वाला आपका लोन फॉर्म है जो हमने आपको बताया था कि लोन फॉर्म फिलअप करके आप इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद उसका PDF को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल देंगे। अब जो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए हमने आपको बताया है डिटेल में, सारा का सारा डॉक्यूमेंट लेके आप बैंक को जाएंगे, वो बैंक वाले आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और आपको आराम से लोन दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आते हैं और एक चीज़ में कि इसका EMI आपको कितनी आएगी। तो उसके लिए दोस्तों हम जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के, अब यहाँ पे देख सकते हैं EMI कैलकुलेटर, पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर। तो इसका हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर। अब जितने भी रुपए का लोन लेना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप लोन लेना चाहते हैं 1 लाख रुपए का, हम यहाँ पे 1 लाख टाइप कर देंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए पर्सनल लोन का थोड़ा ज़्यादा होता है दूसरे लोन के हिसाब से, तो हम इसको 15% लेके चलते हैं। फिर इसका जो लोन टर्म है, आप कितने टाइम में आप इसको लोन को चुकता करना चाहते हैं, कितने महीने में, मान लीजिए आप इसको लेना चाहते हैं 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हो गया दोस्तों 24 महीना। तो आपका जो EMI आ जाएगा 4849 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से लोन कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करके अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन के बारे में पूरा डिटेल रिव्यू दिया है आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।